हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग यू मोर टाइम चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे पॉइंट हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी वो चीज़ जिसे हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करें उसे हम रिसोर्स कहते हैं। इसके अलावा ये रिसोर्सेज जो हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या समझा, दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। रिसोर्सेज जो हैं भगवान की देन है, इसीलिए उन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे और बिना सोचे समझे। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या हुआ। ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ह्यूमन बींग्स ने जो है रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे जो यूज़ करना शुरू कर दिया, इसके कारण से कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम होना शुरू हो गए। देखो कुछ कंट्रियों में क्या हुआ, एनर्जी क्राइसिस आ गया। एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जो थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जिन्हें कि बहुत साल लग जाते हैं फॉर्म होने में। एक बार इन्हें हम यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, मतलब अगर ये रिसोर्स ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए एक बार, तो वापस नहीं आएंगे। तो ये है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने के कारण जो है रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमारी जो सोसाइटी है आज दो पार्ट में बढ़ चुकी है, जो कि है रिच और दूसरी है पुअर। रिच पीपल कौन से होते हैं, जिनके पास में पैसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं या फिर जिनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वहीं बात करें अगर पुअर पीपल की, पुअर पीपल वो होते हैं जिनके पास में इतने पैसे अवेलेबल नहीं है या फिर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यही है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब जितने भी लोग हैं उनके पास में इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब थर्ड प्रॉब्लम है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल ना करने के कारण या फिर ओवर यूज़ करने के कारण जो है कौन सी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकंड इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसी जो है एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आगे देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन सी प्रॉब्लम्स आई हमारी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने के कारण या फिर प्रॉपर यूज़ ना करने के कारण। अब कर क्या सकते हैं हम, वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। इसके लिए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है रिसोर्स को यूज़ किया जाए या फिर जो है किस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से की जानी चाहिए कि हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। इसके अलावा रिसोर्सेज यूज़ करते वक्त फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आज हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ करते जाएँ, आने वाली जनरेशन के लिए वो बचे ही ना आए। इसीलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो यही बात लिखी है इस पॉइंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो है एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने अपनाई है ताकि जो है एक प्रॉपर यूज़ किया जा सके रिसोर्सेज का। अब आगे देखो, इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज रिच एंड डेफिसिट। हमारी जो इंडिया है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है हमारी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि रिच और पुअर। इसके कारण से जो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है हर पर्सन के पास सेम नहीं है। किसी पर्सन के पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो किसी के पास कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आगे देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, मतलब रिसोर्स प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पहले तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट काम किया जाता है इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसका एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग, मैपिंग, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मेजरमेंट एंड एस्टिमेट किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। देखो नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होता है,
प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूट्स की मदद ली जाती है ताकि प्लानिंग जो प्रोसेस है, रिसोर्स प्लानिंग जो प्रोसेस है, उसको बिना किसी गलती के किया जा सके। अब आगे है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है या फिर रिसोर्स प्लानिंग के लिए जो हमने प्लान क्रिएट किया था उसे जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में मैच करके देखा जाता है, और ये देखा जाता है इस रिसोर्स प्लानिंग के कारण जो है हमारे देश पे, हमारे नेशन पे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड रिसोर्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लैंड जो है एक तरीके का रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है जिस पे जो है जिसे हम यूज़ करते हैं किस लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी हम यूज़ करते हैं लैंड को। इसके अलावा इस पॉइंट में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अंडर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। हमारा जो लैंड है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 43% जो है प्लेन्स हैं, इसके अलावा 30% माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा 27% जो है प्लेट्यूज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड को जो है किस तरीके से यूज किया जाता है हमारे इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब लैंड को आगे किस तरीके से यूज करना है ये दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर में आते हैं हमारे टोपोलॉजी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। टोपोलॉजी का मतलब होता है शेप या फिर साइज क्या है उस लैंड का। इसकी मदद से हम देखते हैं कि उस लैंड को हम आगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट और सॉइल टाइप की मदद से भी हम देखते हैं कि उस लैंड का क्या यूज़ आगे करना है। ठीक है, क्लाइमेट और सॉइल टाइप की मदद से देखते हैं कि हम आगे जो है कौन सी जो है फसल उगा सकते हैं उस लैंड पे। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये भी जो होते हैं कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारे लैंड के यूज़ को। मान लो किसी एरिया में आपने प्रॉपर्टी ली या फिर किसी एरिया में आपने लैंड लिया, वहाँ पे जो है वाटर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर जो वहाँ के लोग हैं वहाँ का ट्रेडिशन या फिर कल्चर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो क्या आप वहाँ पे अपना घर बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन द लैंड इन परमानेंट पेस्चर। पेस्चर का मतलब होता है जिस एरिया में, जिस लैंड पे जो है घास उगा रखी होती है, ग्रास उगा रखी होती है, उसे हम कहते हैं पेस्चर लैंड। ठीक है, या फिर जो लैंड जो है ग्रेजिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाए उसे हम कहते हैं पेस्चर लैंड। डिक्रीज इन द लैंड इन परमानेंट पेस्चर का मतलब जो है वो लोग जो कि घास उगाया करते थे अपने लैंड पे वो कम होता जा रहा है, कम लोग जो है प्रिफर करते हैं पेस्चर लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब किसी एरिया में, किसी स्टेट में जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है तो किसी एरिया में जो है कम एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया इज फार लोअर देन डिजायर्ड, दैट इज 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट एरिया जो है 33% है ज्योग्राफिकल एरिया के, जो कि काफ़ी कम है जितने की रिक्वायरमेंट है या फिर जितने की ज़रूरत है। अब आगे देखो वेस्ट लैंड कौन सा होता है, वो लैंड जो कि कवर किया गया है रॉक्स के द्वारा या फिर जो डेजर्ट एरियाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्ट लैंड, जिन्हें हम अपने यूज़ में नहीं ला सकते, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं वेस्ट लैंड। अब आगे देखो अदर यूजेस ऑफ लैंड, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा भी जो है लैंड को काफ़ी कामों के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्या है, सेटलमेंट के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो है लैंड को यूज़ किया जाता है। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके अलावा कौन से मेथड्स जो हैं अडॉप्ट किए जा सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। देर इज़ अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड लैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा सम फैक्टर्स आर, मतलब कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों के काटने के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण, माइनिंग के कारण, इसके अलावा ओवर इरीगेशन या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। आगे देखो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पेड़ उगा करके। सेकंड है चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल करके, शेल्टर बेल्ट एस्टेब्लिश करके। इसके अलावा घास उगा करके, मतलब जितने ज़्यादा हो सके छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा करके। उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है जो कि हमारे रॉक्स हैं या फिर डेजर्ट एरियाज हैं, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके। उसके अलावा माइनिंग जो एक्टिविटीज़ होती है इनके ऊपर कंट्रोल करके। और लास्ट है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसी पॉइंट के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।